हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 25 सितंबर 2019 की प्रीलिम अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ यहाँ पे आई है वो ये साइक्लोन्स को लेके। देखो, साइक्लोन को अलग अलग एरिया में देश वर्ल्ड के अलग अलग नामों से जाना है वो जाता है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से एरिया में किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन से क्राइटेरिया है ऐसे जिनके आधार पर साइक्लोन का नाम है वो रखा जाता है। अब देखो, एक बार पहले हम थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं। देखो, इंडियन ओशियन में आपको पता है काफ़ी सारे साइक्लोन बनते हैं, और इंडियन ओशियन की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो अरब सागर या सॉरी जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, बंगाल की खाड़ी वाला, इस वाले एरिया में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं उनसे काफ़ी नुकसान भी होता है। और यहाँ पे कौन से साइक्लोन जनरेट होते हैं, देखो इस वाले या बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं उनको कहते हैं बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन, या हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो बनते हैं। अब देखो, चक्रवात या उस जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, इसके दो रीजन होते हैं, दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जनरेट होते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर अच्छा खासा हो, या आप बोल सकते हो कि लगभग 27 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर है वो होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि क्या होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरिओलिस फोर्स नहीं होगा या फिर सी टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर कम होगा तो साइक्लोन नहीं आ पाएगा ट्रॉपिकल। ये ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन की दो कंडीशंस होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आता है। अब देखो, ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है इसमें साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, इसके रीज़न क्या है? बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू अरब सागर वाली ब्रांच से। इसके रीज़न देखो एक ये है कि बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है ना, इसमें इंडिया की जो मेजर रिवर्स है ना इधर से आती हैं। आप देख सकते हो जो गंगा देख सकते हो या फिर बाकी और भी रिवर्स हैं इंडिया की, वो मैक्सिमली बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में गिरती हैं। इसका मतलब फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा मिल रहा है। इसी के साथ ही आप देख सकते हो कि इस वाले एरिया में क्या है, सैलिनिटी कम है कंपेयर टू अरब सागर। अब इस वाले एरिया में सैलिनिटी कम है तो ओबियसली पानी जल्दी गर्म हो यहाँ पे हो रहा है, मतलब इस वाले एरिया का आप बोल सकते हो कि बे ऑफ बंगाल के सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू अरब सागर, इसीलिए साइक्लोन प्रोड्यूस करने का माहौल ज़्यादा अच्छा हो यहाँ पे हो जाता है। एक रीज़न और भी है, एक रीज़न ये है यहाँ पे कि देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन वाला जो कि साउथ चाइना सी वाला हिस्सा इधर आप दिख रहा है यार, जापान के पास वाला बेल्ट, ये इस वाले एरिया में काफ़ी सारे साइक्लोन्स आते हैं, उनको अलग नामों से भी खैर जानते हो आगे भी देखने वाले हैं। तो इस वाले एरिया में जो साइक्लोन आते हैं ना उनका भी कुछ इफेक्ट यहाँ पे रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बॉर्डर यहाँ पे जगह है, स्पेस है काफ़ी कटा छटा मलका स्टेट से होते हुए, तो यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं उनका कुछ इफेक्ट आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक यहाँ पे रहता है बे ऑफ बंगाल में, इसीलिए बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में ज़्यादा साइक्लोन है वो आते हैं। तो ये दो रीजन्स हैं इस वाले एरिया में साइक्लोन आने के, ये हमने यहाँ पे देखा। इसी के साथ और जो मेजर साइक्लोन आते हैं वर्ल्ड में वो यहाँ पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये जो वेस्टर्न कोस्ट होगा इस वाले हिस्से में साइक्लोन आते हैं नॉर्थ वेस्ट वाले में। इसी के साथ ही यहाँ पे साइक्लोन आते हैं अटलांटिक ओशन में, इस वाले हिस्से में साइक्लोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया में साइक्लोन के क्या क्या नाम है वो होते हैं। देखो, जो टाइफून साइक्लोन या टाइफून है वो साइक्लोन का ही एक तरह का नाम है, जो कि बेसिकली चाइना सी या पैसिफिक ओशन में, यानी कि हम बात करें, एक सेकंड पेन दूसरा लेते हैं, यहाँ पे जो साइक्लोन आएंगे उनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखना कि टाइफून कहाँ पे आते हैं, जापान और चाइना वाला जो हिस्सा है सी, इस वाले एरिया में टाइफून साइक्लोन आते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे अगला हमारा आता है हरिकेन। देखो, हरिकेन या हुरिकेन जो साइक्लोन है वो आते हैं वेस्ट इंडीज और जो कैरिबियन आइलैंड है एटलांटिक ओशन में उस वाले हिस्से में। वेस्ट इंडीज़ कहाँ पे है, कैरिबियन आइलैंड यहाँ पे है, दिख रहा होगा छोटी छोटी कंट्रीज हैं क्यूबा के पास में, यहाँ पे ये है वेस्ट इंडीज़ वाला कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज, यहाँ पे एक साइक्लोन आते हैं, उनका नाम रखा गया है हरिकेन या हुरिकेन। तो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे साइक्लोन से उनको बेसिकली हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नाम आता है टोर्नेडो। देखो, टोर्नेडो हैं वो आते हैं गुनिया या फिर हम बात करें वेस्ट अफ्रीका वाले हिस्से में, ध्यान रखना कहाँ पे हैं, गुनिया लैंड्स वेस्ट अफ्रीका और बात करें साउथर्न यूएसए। अब आप समझ गए होंगे गुनिया कहाँ पे है यहाँ पे और वेस्ट अफ्रीका वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात यहाँ पे की जा रही, गुनिया यहीं पे ही है। तो इधर जो साइक्लोन आते हैं ना उनको इस नाम से जाना जाता है यहाँ पे टोर्नेडो। ये आप ध्यान रखेंगे टोर्नेडो साइक्लोन है वो गुनिया इधर कंट्री पड़ती है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक साइक्लोन होता है वेली वेली, वेली वेली ये आता है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में।
ये रहा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस वाले हिस्से में जो साइक्लोन आते हैं उनको विली विली या फिर वेली वेली के नाम से जाना है वो जाते हैं, और जो आते हैं नॉर्मल साइक्लोन या चक्रवात वो आते हैं इंडियन ओशन में, इनको साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग एरिया में नाम है वो इनसे जाना जाता है। अब देखो आती है बात साइक्लोन के नामकरण की। देखो साइक्लोन का नाम है वो यहाँ पे जो इनकी रीजनल एरियाज होते हैं वो कंट्रीज प्रोवाइड करवाती हैं, और वो सीरीज हिसाब से, जैसे कि मान लो इंडियन ओशन में साइक्लोन आ रहा है तो एक बार इंडिया प्रोवाइड करवाएगा, एक बार पाकिस्तान नाम प्रोवाइड करवाएगा, एक बार यहाँ पे ईरान है वो देगा, एक बार ओमान नाम देगा। इस तरीके से अलग अलग नाम है वो अपने एरिया के हिसाब से प्रोवाइड है वो करवाए जाते हैं। तो वो खैर इतना इंपॉर्टेंट यूपीएससी नहीं पूछने वाले, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है उम्मीद इनिशिएटिव के बारे में। देखो उम्मीद इनिशिएटिव का मतलब है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनिशिएटिव, यानी कि है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का बोल सकते हो कि एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, जो कि हमारे देश में जो काफ़ी सारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनसे निपटने के लिए स्टार्ट है वो किया गया है। देखो इसका मेन टारगेट ये रखा गया है कि जो जेनेटिक डिजीज होती है ना न्यू बॉर्न बेबीज में, उनको टेकल है किया जा गया, उनको रोका है वो जा सके। अब देखो जेनेटिक डिजीज़ हैं, अगर इनको रोकना है तो इनके लिए सबसे अच्छा काम क्या है, कोई भी डिजीज़ को अगर आपको रोकना है तो प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्यूर, मतलब सीधी सी बात क्या है, बचाव ही इलाज है। आप बीमारी होने से पहले बचाव रखना शुरू कर दो, आप पहले से ध्यान रखो ये भाई ऐसी प्रॉब्लम आए नहीं, इसके लिए आपको पहले से प्रिवेंशन जो एक्शन हैं वो लेने चाहिए, प्री स्टेप उठा के तैयार रखने चाहिए, ताकि ऐसी प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में देखना ही नहीं पड़े। जिस तरीके से गवर्नमेंट को कहा जाता है ना कि भाई जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अगर मेडिसिन या दवाई वगैरह कुछ भी ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर पे अच्छा मिल जाएगा तो भाई फिर टर्शियरी या बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं होगी ना पेशेंट को, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट का तो वहीं पे काम सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करना होता है। उसी तरीके से यहाँ पे इस इनिशिएटिव का मतलब ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब देखो बात ऐसी, जो उम्मीद इनिशिएटिव है ना इसके तीन टारगेट हैं छोटे छोटे। एक टारगेट तो ये है, इसमें एक निदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निदान केंद्र का मतलब है नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन। ये होगा क्या, ये जो सेंटर है जो केंद्र है ये बेसिकली काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएंगे, इसी के साथ ही जो टेस्टिंग वगैरह है, डायग्नोस्टिक वगैरह है, मैनेजमेंट हुआ, किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी जो केयर है वो प्रोवाइड करवानी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पेशेंट को कैसे सपोर्ट है वो देना है, इन बातों पर फोकस है वो किया जाएगा। दूसरा टारगेट इसका ये है कि जो क्लिनिकल है वहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक्स को प्रोड्यूस है वो करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और तीसरा इसका टारगेट ये है, एम है, वो ये है कि भाई जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए जेनेटिक डिजीज ना हो उसमें, और अगर हो रही है तो उनको प्रॉपर सोल्यूशन है उसी टाइम पे प्रोवाइड है वो करवाया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वहाँ पर उनको प्रोवाइड है वो करवाया जा सके। ये है उम्मीद इनिशिएटिव। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल हुआ है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। देखो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है वो बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की एक स्कीम है, इनके कृषि मंत्रालय की स्कीम है, और इस स्कीम का मोटो ये है कि भाई जो भी फार्मर्स ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनको इंसेंटिवाइज है वो किया जाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसेंटिवाइज मोर फार्मर्स टू ग्रो ऑर्गेनिक फूड, यानी कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती प्रमोट ऑर्गेनिक खेती करने के लिए इंसेंटिवाइज या प्रमोट करने के लिए स्कीम है वो लाई गई है। देखो है क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए सभी कंट्रीज ये चाहती हैं कि भाई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं वो पैदा किया जाए और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लॉन्च किया जाए, एक्सपोर्ट है वो किया जा सके, और पैसे भी अच्छे खासे आपको पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मिलते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसका नाम है ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, IFOAM। इसने भी ये कहा है कि भाई जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ना वो बहुत हेल्पफुल होगी। क्यों, क्योंकि देखो पार्टिसिपेटरी जो गारंटी स्कीम है इसमें गवर्नमेंट किसानों को सपोर्ट करने वाली है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफाई करेगी कि भाई वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब देखो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनका आपको पता है कि पैकेजिंग अलग तरीके से होती है, उनके ऊपर लेबल भी रहता है बाकायदा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो वो सारी गाइडलाइंस किसानों को बताई जाएंगी और उनके प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया जाएगा इस स्कीम के तहत कि हाँ भाई वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, किसान जो ये प्रोड्यूस करें वो ऑर्गेनिक हैं 100%, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार किए जाएंगे जिससे किसानों का जो सामान है वो मार्केट में अच्छी रेट पर भी बिकेगा। तो इससे किसानों को भी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, और इसी के साथ ही ऑर्गेनिक फूड है वो भी लोगों को आराम से मुहैया करवाया जा सकता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट हो एक अच्छा स्टेप हो यहाँ पे उठा रही है।
और जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑर्गेनिक फूड के लिए किसानों को, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि पूरा कागजी कार्रवाई भी करवाई जाएगी, प्रॉपर लोगो दिया जाएगा उनको है कि हाँ भी आपका सामान है वो एक तरीके से ऑर्गेनिक है 100%, और स्टेटमेंट भी उनको दिया जाएगा। अब देखो ये जो PGS है ना, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, यह एक तरीके का लोकल एरिया का आप ये बोल सकते हो एक इंश्योरेंस सिस्टम है। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब क्या है कि सुनिश्चित करना कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट है वो एक गारंटी जेन्यून है, ऑर्गेनिक है, इसके लिए जो कि लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड है वो करवाया जाता है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है कि भाई वो समाज में जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये वो एक तरीके से ऑथेंटिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए ही ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे कैंपेन छोटे छोटे चलाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है माइक्रो इला ईस के बारे में। तो क्या है माइक्रो इलिया ईस, ये हम एक बार देखते हैं। देखो माइक्रो इलिया ईस है वो एक मेंढक की नई प्रजाति है जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइगर रिजर्व है वो है नामदफा टाइगर रिजर्व, जिसको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है। इवन हम बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनमें सबसे अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है नामदफा टाइगर रिजर्व को। यहाँ पे टाइगर्स भी ठीक ठाक हैं। अब बात ऐसी है कि अरुणाचल प्रदेश को आपको पता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले सनराइज है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। इसके बाद में अगर मोर फैक्ट हम देखें तो एक तरीके से इसको लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो नई स्पेसिस डिस्कवर की गई है ईओस या ईस है, उसका मतलब बेसिकली होता है कि ईस वहाँ की एक मिथोलॉजिकल यानी कि वहाँ की जो पुरानी जो कथाएं थी उनके हिसाब से वहाँ की एक ग्रीक देवी थी जिसका नाम था डॉन। डॉन का मतलब ये होता है कि सुबह की पहली किरण, तो उसी के नाम पे इसका नाम है वो रखा गया है माइक्रोलिस ईस्ट। तो आप ध्यान रखना क्योंकि देखो ऐसे नाम लोकल लैंग्वेज के अलावा बोल सकते हो कि लोकल जो पैरामीटर्स होते हैं, लोकल कम्युनिटी होती है, उनके आधार पे रखे जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ईओस है वो बेसिकली वहाँ की एक मिथोलॉजिकल देवी थी, उसके नाम पे, और उसी के नाम पे मेंढक का नाम है वो रखा गया है। और जो माइक्रोइलिया है वो बेसिकली एक मेंढकों का ग्रुप है जिसमें मेंढक का मुंह है वो आगे से चपटा या नेरो है वो होता है। अब इस प्रजाति को वैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, राइस फ्रॉग्स, या फिर हम बात करें चोरस फ्रॉग्स। राइस फ्रॉग इसलिए क्योंकि वहाँ पे चावल की खेती होती है, इसलिए वहाँ पे बहुतायत से पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है सोंडोल डांस के बारे में। देखो जो सोंडोल डांस है वो लद्दाख रीजन का एक इम्पोर्टेंट डांस है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया था कि लद्दाख की काफ़ी सारी महिलाओं ने डांस कर इस डांस की प्रस्तुति की और इसका रिकॉर्ड फिर गिनीज बुक में दर्ज है वो करवाया गया है। तो जो सोंडोल डांस है ये बेसिकली रॉयल डांस ऑफ लद्दाख भी है, क्योंकि वहाँ के राजा को ये डांस है वो एक तरीके से मतलब प्रस्तुत है वो किया जाता है। ये पहले से परंपरा है वो बनी आई रही है, और स्पेशली जो ओकेजन्स होते हैं तो वहाँ के किंग के लिए जो आर्टिस्ट हैं वो इस डांस को परफॉर्म है वो करते हैं। तो ध्यान रखना है सोंडोल डांस है वो लद्दाख रीजन का एक लोकल डांस है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। देखो आपको पता है कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था 2015 में, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे टारगेट रखे थे कि भाई हम भी ये टारगेट अचीव करने वाले हैं। और उसमें एक टारगेट ये था कि 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस है वो करने वाला है। कब तक? 2022 तक का ये टारगेट इंडिया ने रखा था। यानी कि इंडिया ने एक टारगेट ये रखा था अपनी तरफ से कि भाई 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेंगे 2022 तक। इस टारगेट को अचीव हम वो करने वाले हैं। इसमें भी फिर अलग अलग रखा गया था कि 100 गीगावाट है वो हम सोलर से प्रोड्यूस करेंगे, 60 इससे करेंगे, वगैरह वगैरह, वो खैर आगे की बातें हैं। तो अभी बात यह है कि जो पेरिस की आपको पता है मीटिंग हुई थी, इसके बाद अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ग्लोबल क्लाइमेट समिट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो टारगेट था हमारा 175 गीगावाट का, हम इसको बढ़ा के 450 गीगावाट पे लेके जा रहे हैं। इनकी हम 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करने वाले हैं 2022 तक। तो काफ़ी बड़े टारगेट हैं, गवर्नमेंट को अचीव करने में काफ़ी सारे स्टेप हैं वो भी उठाने होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था उसका इम्पोर्टेंट जो आउटकम था वो क्या था। देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये कहा गया था कि भाई जिस तरीके से अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ऑल ओवर अर्थ पर, अगर यही हालात रहे ना तो जो हमारी अभी सेंचुरी चल रही है 21वीं शताब्दी, इसके एंड तक यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 2099 तक
पहुंचते पहुंचते हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल ईरा आप ले लो कि 1800 से पहले, कि 1800 से पहले जो टेम्परेचर था उससे 2% बढ़ जाएगा। ये मान लो कि 1800 से पहले हर साल का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 25 डिग्री था, और वहीं अगर हम 2099 में देखेंगे तो एवरेज टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा 27 डिग्री, अगर यही हालात रहे तो। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में इस टॉप पे फोकस किया गया कि भाई हमें एट एनी कॉस्ट जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इसको 2 डिग्री नहीं बढ़ने देना है, हमें 1.5 डिग्री तक ही इसको रोकना है एट एनी कॉस्ट। ये इसमें टारगेट लिए गए थे कि भाई 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल का टाइम था उसे 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे 21वीं शताब्दी के एंड तक। ये इसके टारगेट हैं वो रखे गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ब्लैक कार्बन। देखो क्या होता है ब्लैक कार्बन, देखो ब्लैक कार्बन का मतलब ये होता है इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोफ्यूल एंड बायोमास, यानी कि जो फ्यूल होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल हो, खनिज हो जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह, या फिर बायोफ्यूल हो या फिर बायोमास हो जैसे कि लकड़ी वगैरह, ये अगर ये पूरे तरीके से नहीं जलते हैं, आधे अधूरे जलते हैं, तो जो कार्बन या जो बचता है उसको बेसिकली ब्लैक कार्बन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब देखो जो ब्लैक कार्बन होता है ना ये काफ़ी खतरनाक होता है और काफ़ी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। इवन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए भी काफ़ी बड़ा एक जिम्मेदार कारण है। क्यों? क्योंकि ये जो काला कार्बन होता है ब्लैक कार्बन, ये क्या करता है हवा में उड़ के और हवा के साथ जो ग्लेशियर वगैरह ना उन पे जाके पहुंच जाते हैं। अब ग्लेशियर वगैरह का आपको पता है कि बर्फ से बने होते हैं तो उनका कलर व्हाइट होता है, और वहीं पर अगर ये ब्लैक कार्बन पहुँच जाएगा तो वहाँ पर उनकी सरफेस पर जम जाते हैं। अब ये सरफेस पे जमेगा तो क्या करेगा, ये ब्लैक रंग का होने की वजह से जो सनलाइट है इनको एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली ग्लेशियर पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे ग्लेशियर वगैरह वो पिघलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है वो है। अभी देखो एक रिसेंटली एक स्टडी है वो की गई थी, इस स्टडी में ये आया कि जो भ्रूण होता है इसके अंदर भी बेसिकली ब्लैक कार्बन के अवशेष हैं, आप सबूत हैं वो यहाँ पे देखे गए हैं, यानी कि जो फेटस फेसिंग साइड होती है प्लेसेंटा की वहाँ पे भी अभी ब्लैक कार्बन के एविडेंस है वो देखे गए हैं। फेटस का मतलब ये होता है एक तरीके से आपको बताऊँ भ्रूण, हिंदी में से हम भ्रूण के नाम से जानते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो स्टार्टिंग जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं भ्रूण। इसके बाद में प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि बच्चे को अपनी माँ के थ्रू माँ के पेट से ही खाना मिलता है, तो जो एक पाइप या बोल सकते हो ट्यूब से बच्चा कनेक्ट होता है माँ से उसको बेसिकली प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और उसमें अभी ब्लैक कार्बन के अवशेष हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। तो ये अभी न्यूज़ है वो आई है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक कार्बन और इसके क्या क्या नुकसान है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लॉक्स मीथेन इंजन के बारे में। देखो इसरो है वो अभी लॉक्स मीथेन इंजन की तरफ काम है वो कर रहा है। होगा क्या लॉक्स मीथेन इंजन में, ये होगा कि ऑक्सीडाइजर के तौर पे तो ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा, और जो फ्यूल है फ्यूल के तौर पे बेसिकली मीथेन का यूज है वो किया जाएगा। अभी इस पे स्टडी है वो चल रही है। देखो नॉर्मली जो एक तरीके से सेटेलाइट वगैरह या बोल सकते हो कि स्पेस मिशन होते हैं उनमें फ्यूल है वो तो होता है हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीडाइजर होता है यानी कि जिसकी प्रेजेंस में फ्यूल जलेगा वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो अर्थ पे अगर जैसे गाड़ी वगैरह है इसमें तो हम ऑक्सीडाइजर यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि सरफे अर्थ की सरफेस पे आपको पता है ऑक्सीजन अवेलेबल होती है इजीली, तो इसको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। बट स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए ऑक्सीजन भी साथ में कैरी करनी पड़ती है। अब ये जो मीथेन इंजन है इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह मीथेन को यूज है वो क्यों जाएगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि मीथेन को इजीली हम स्टोर है वो कर सकते हैं, इसीलिए मीथेन को यूज है वो किया जाएगा एज ए फ्यूल। तो अभी इसके लिए लॉक्स मीथेन इंजन है यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन फ्यूल इंजन है वो डेवलप है वो किए जा रहे हैं, ये भी इसको लेकर न्यूज़ है वो आई है। और इसी के साथ अहम बात ये है कि स्पेस के अंदर आप बोल सकते हो कि ब्रह्मांड में जो और भी ग्रह हैं प्लेनेट हैं वहाँ पे मीथेन के काफ़ी सारे भंडार पाए जाने की संभावना भी है, तो एक तरीके से हम स्पेस फ्यूल के नाम से भी जान सकते हैं मीथेन को कि भाई मीथेन है वो स्पेस फ्यूल है फ्यूचर का, इसीलिए स्पेस स्टडी वगैरह की जा रही है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।